और अज़रा बादशाह की सल्तनत के सातवें वर्ष के पांचवें महीने यरूशलेम में पहुंचा, क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला और पांचवें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था। इसलिए कि अज़रा आमादा हो गया था कि खुदावन की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आइन और अहकाम की तालीम दे। और अज़रा काहिन और फकीह यानी खुदावन के इसराइल को दिए हुए अहकाम और आइन की बातों के फकीह को जो ख़त अर्तख्शस्ता बादशाह ने इनायत किया, उसकी नकल ये है। चूँकि तू बादशाह और उसके सातों मुशीरों की तरफ से भेजा जाता है ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाले हुए हैं, जैसा आज के दिन है। ऐ खुदावन इसराइल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हुजूर हाजिर हैं, क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हुजूर खड़ा रह नहीं सकता। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रा फकीह से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसका खुदावद ने इसराइल को हुक्म दिया था, लाए। और सातवें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरैत को जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रींगते हैं इख्तियार रखें। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावन खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और न जमीन जोतने को कोई इंसान था। और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावन खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावन खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा।
और खुदावन खुदा ने कहा, क्या आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया। और खाया। और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया हुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रींगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो जमीन पर है मर जाएंगे। और खुश्की के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रूए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रिंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फकत एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं सेहत को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और न कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सेम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। बनी सिम ये हैं, एलाम और असूर और अरफक्सद और लूद और अराम, और अरफक्सद से सिलह पैदा हुआ और सिलह से इबर, इबर फलज रऊ सुरूज नहूर तारा और अब्राम, यानी अब्राहम। और खुदावन ने अब्राम से कहा,
कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्के कनान को रवाना हुए और मुल्के कनान में आए। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिब्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खाना जात मेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और अब्राम को मुल्के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामिला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामिला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामिला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ते को बयाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीवी के पास लौट जा और अपने आप को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और अब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं।
और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। सो सारा हामिला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ, और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी ज़ियाफ़त की, और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर अब्राहम को उसके बेटे के बायस ये बात निहायत बुरी मालूम हुई, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई, और बीर सबा के बायाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टिब्बे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उसे कहा, ए हाजरा तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया, और खुदा उस लड़के के साथ था, और वो बड़ा हुआ और बयाबान में रहने लगा और तीरंदाज बना। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा,
कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा। और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चार जामा कसा और अपने साथ दो जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को, जो खुदा ने उसे बताई थी, रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली। और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, क्या मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी। और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबह करे। तब खुदावन के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा के, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला। और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया
और खूब बुढ़ापे में निहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदे बेतुएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है। और ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब न कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादरे मुतलक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे एक बुकलमून खबाबी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग्ज रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग्ज रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा। और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग्ज रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने यह बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा, मैं तैयार हूं। तब उसने कहा, तू जाकर देख के तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हिब्रून की वादी से भेजा। चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको दोतैन में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे के वो नजदीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा, और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम इसे मार डालें और किसी गढ़े में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गढ़े में डाल दिया। वो गढ़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला जिलाद से आ रहा है,
और गर्म मसाले और रोगने बलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर न उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींच कर गढ़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। और उन्होंने उस बुकलमून कबा को भिजवा दिया, सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा और यूसुफ को मिस्र में लाए। और फोतिफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, खरीद लिया। और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावन उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनांचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के, जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात न मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर न था। तब उस औरत ने उसका पैरहन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें, जो उसने उससे कहीं, सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाने में रहा। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर न कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन अपने खादिमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जल्लोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जल्लोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा।
सोनू ने जल्द उसे कैदखाने से बाहर निकाला और उसने हिजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूं और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशकल और दुबली गायें निकली और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गई और मैंने उन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। देख, सारे मुल्क के मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क के मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मानंद दानिशमंद और अकलमंद भी कोई नहीं। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। और फिरौन ने अपनी अंगुष्ठरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और इरजानी के 7 बरसों में इफ्रात से फसल हुई और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानंद निहायत कसरत से जखीरा किया, यहां तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बेहिसाब था। और इरजानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था पर मुल्क मिस्र में हर जगह खुरश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फिरौन के आगे चिल्लाए। फिरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे क्योंकि सारी जमीन पर सख्त काल पड़ा था। सो जो लोग गल्ला खरीदने आए उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए क्योंकि कनान के मुल्क में काल था। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था पर उन्होंने उसे ना पहचाना। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावंद, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका कि तुम जासूस हो, सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फिरौन की हयात की कसम तुम यहां से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां ना आ जाए। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी
और तुम हलाक ना हो गए। सो उन्होंने ऐसा ही किया और उनको मालूम न था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जुमान था। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी, तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाखता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया। और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। तब उनके बाप इसराइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगन बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाले और मुर और पिस्ता और बादाम। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैर आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है। उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को जो उसकी माँ का बेटा था देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है, तू मेरे पास चला आ, देर न कर। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और इसराइली मुल्क मिस्र में जश्न के इलाके में रहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली और वो बढ़े और बहुत ज्यादा हो गए। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिट गए। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इसराइली हमसे ज्यादा और कवी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए
तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़े और मुल्क से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बिगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरे के शहर पतोम और रामसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया और औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ाई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुसल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्के मिद्यान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका करहाना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। और मूसा अपने खुसर यत्रु की जो मिद्यान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बयाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हूरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है।
फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और न जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसी है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। उसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बयाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावन कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं खुदावन को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बयाबान में जाकर खुदावन अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ताना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ऐ मूसा और ऐ हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ।
और उसी दिन फिरौन ने बिगाड़ लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया, सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल न लगाए। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई न बख्शी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। और मैंने बनी इसराइल के करहाने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क के मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहां से जाने देगा। और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहां से बिल्कुल निकाल देगा। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोटों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोटे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में था उसके पहलोटे तक, बल्कि चौपायों के पहलोटों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई न मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से, जो गुलामी का घर है, निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोर बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई न जाए। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी
तो खुदा उनको फिलिस्तीनियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाए, बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजुम के बयाबान के रास्ते से ले गया और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्लह निकले थे और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सुतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सुतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समंदर के बीच फी हखीरूत के मुकाबल बाल सफून के आगे डेरे लगाए, उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बयाबान में घिर गए हैं। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हखीरूत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बयाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात न कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बयाबान में मरने से बेहतर होता है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कहे कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था गर्क कर दिया और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। फिर वो इलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बयाबान में जो इलीम और सीना के दरमियान है पहुंची और उस बयाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी
और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन है जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मकदार के मुवाफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फीकस एक ओमर जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हो। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बयाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफीदीम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी न मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हूरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बयाबान में आए, तो बयाबान ही में डेरे लगा लिए, सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया, सो मूसा ऊपर चढ़ गया। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया,
मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा। याद करके तू सबक का दिन पाक मानना, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की, तुम मेरे साथ किसी को शरीक न करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए न गढ़ लेना। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की दो लौहें दी, वो लौहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इसराइल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतह मंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा, तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से फटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ा। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा, हालांकि तूने ये भी कहा है
कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लौहों की मानंद पत्थर की दो लौहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लौहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लौहों पर, जिनको तूने तोड़ डाला, मरकूम थी। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं वो हैबतनाक है। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है, और तुम्हारे दरमियान जो रोशन जमीर हैं वो आकर वो चीजें बनाएं जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खैमा और गिलाफ और उसकी घुंडियां और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, संदूक और उसकी चौबे, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज और उसकी चौबे और उसके सब जरूफ और नजर की रोटियां और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और उसकी चौबे और मसह करने का तेल और खुशबूदार बखूर और मस्कन के दरवाजे के लिए दरवाजे का पर्दा और सोखतनी कुर्बानी का मजबा और उसके लिए पीतल की झुंझरी और उसकी चौबे और उसके सब जरूफ और होज और उसकी कुर्सी। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया, और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था, उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया। और मूसा ने उनको बरकत दी। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले, और तीनों दिन के सफर में खुदावंद की अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें, उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर और थोड़े से हैं या बहुत, और वहाँ की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें
क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बयाबान ही में मरते हैं। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मीरास से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोर बाजू से निकाल ले आया ये सुनेंगे, बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने उनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बयाबान में हलाक कर दिया। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक इन लोगों को माफ करता रहा है अब भी माफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया। लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बयाबान में दिखाए फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बयाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और 40वें बरस के 11वें महीने की 1 तारीख को मूसा ने उन सब आकाम के मुताबिक जो खुदावंद ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे उनसे ये बातें कही। सुन इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बयाबान में चलाया ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल कर।
क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल प्रगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और माबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जता देता हूँ कि तुम जरूर फना हो जाओगे और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यर्दन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूं, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाएगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा, कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे न दस्तबरदार होगा न तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ न कर और बेदिल न हो। और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरीहू के मुकाबले है चढ़ गया, और खुदावंद ने जलाद का सारा मुल्क दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क उसे दिखाया, और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था, इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा, सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदे मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वही मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानिंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा, और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूमूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए, वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे
मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावन फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं।